जी अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, आज हम बेसिकली इंट्रा ऑरल जो कैमरा है, डिजिटल इंट्रा ऑरल कैमरा जो डिजिटल व्यूअर है, हम आज इसकी आपको अनबॉक्सिंग की वीडियो बना के शेयर कर रहे हैं। तो ये आप देखें, सबसे पहले यहाँ पे एक बारकोड होता है, यहाँ पे क्यूआर कोड होता है, और ये एक जो है वो उसका जो वाईफाई वाला सिस्टम होता है उसका पासवर्ड होता है। ये इसका बॉक्स है, आपको बॉक्स हम पहले आउटर साइड से दिखाएंगे। ये आप आउटर साइड पे बॉक्स देख सकते हैं, और उसके बाद आप ये इसका जो है वो टॉप साइड है और ये इसकी बॉटम साइड है। बॉटम साइड पे इसकी पिक्चर्स बनाई गई है कि ये बेसिकली इसका सिस्टम है। यहाँ पे यूएसबी लगती है और ये कंट्रोलर वगैरह है, ये इसका मेन कंट्रोलर है, और ये 16 पिक्चर्स, 14 पिक्चर्स, ईच एंड एवरी थिंग। यहाँ पे आप इसका सारे के सारे यूएसबी वगैरह सारा कुछ आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम इसको ओपन करते हैं। ये बेसिकली इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो है और इसको जो है इसके इस्तेमाल की वीडियो है। तो ये बेसिकली आप बॉक्स ओपन करते हैं, तो ये बेसिकली यहाँ पे आप बॉक्स देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक यूज़र मैनुअल होता है, इसके अंदर देख सकते हैं कि जो है इसके पैरामीटर्स क्या क्या हैं। यहाँ पे हम आपको पैरामीटर्स दिखा सकते हैं, इसकी जो है वो स्टैंडर्ड पैकिंग आपको दिखा देते हैं। उसके बाद हम आपको यहाँ पे इसके इंस्टॉलेशन का मेथड है और उन्हें पिक्चर्स बाय पिक्चर भी गाइड किया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा जो है वो एक इन्होंने रैपिंग रखी होती है ताकि ये बाहर निकल के डैमेज ना हो। और हम आपको जो है मेन इसका कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर आप देखें, यहाँ से इसका ऑन ऑफ स्विच है, और उसके बाद ये नीचे से भी इसकी जो है आउटपुट इनपुट वगैरह के बारे में, पासवर्ड वगैरह के बारे में लिखा हुआ है। और ये आप किसी जगह पे भी हैंग करना चाहें तो आप इसको यूं लगा के या यूं लगा के आप इसको अपने हिसाब से हैंग कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसका मेन कंट्रोलर है। यहाँ पे यूएसबी पोर्ट होती है, ये वी जो है वो कैमरे की पोर्ट है, वीजीए पोर्ट भी है, मतलब हर तरह की इसके अंदर सिनेरियोज हैं, ये आप देख लें। उसके बाद ये एक रिमोट कंट्रोल किट होती है, इसके साथ रिमोट कंट्रोल सिस्टम के जरिए भी ये चलता है कैमरा, तो आप इसका ये रिमोट कंट्रोल देख लें। और उसके बाद ये होता है जी मेन कैमरा, जिसको इंट्रा ऑरल कैमरा कहा जाता है। ये माउथ के अंदर जो है वो बात करने के लिए यूज हो रहा होता है, यह मेन इंट्रा ऑरल कैमरा आप देख लें। ये बेसिकली मेन इंट्रा ऑरल कैमरा है, ये आप इसको देखें। यहाँ पे आप पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं, क्वाड फुल कर सकते हैं, पिक्चर्स डिलीट भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और हम अब इसके नीचे चलते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसके अंदर ये एक इसका जो है वो सर्टिफिकेट होता है, प्रोडक्शन सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं, क्यूसी पास हुआ हुआ है ये। और उसके बाद एक इसकी अंदर जो है वो नट बोल्ट्स वगैरह का सिस्टम होता है, ये इसके जो नट्स वगैरह होते हैं जो है वो आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्लीव्स आ जाती हैं जो इंट्राओरल कैमरे को कवर करके मुंह के अंदर जो है वो डालने के काम आती हैं। उसके बाद इसके अंदर जो है एक ये चीज़ होती है जिसको इसका मेन चार्जर भी आप कह सकते हैं, और इसको जो है वोल्टेज सप्लाई करता है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। ये यहाँ से ओपन भी हो जाता है अगर आप करना चाहें तो नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है, एक स्विच दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे फ्यूज़ लगाया हुआ है, अगर कोई मसला हो तो यहाँ से फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ जल जाता है और आपका चार्जर भी बच जाता है, और ये वाला हिस्सा भी आपका जो है वो पिन वगैरह भी बच जाती है। तो अंदर देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसकी जो वायरिंग वगैरह है, इसके वायरिंग के स्विच वगैरह हैं वो होते हैं इसके अंदर। आप ये देख सकते हैं कि एक जो है वो इससे वीजीए में कन्वर्टर है, और एक जो है वो उससे डायरेक्ट कैमरे में लेके जाती है। ये वीजीए से यहाँ से एलसीडी में चला जाता है बेसिकली, और ये उसकी कनेक्टिविटी को शो करता है, कैमरे के साथ कनेक्टिविटी के लिए दी गई है तार। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली इसकी एक अडाप्टर केबल है, और ये इसका जो है वो वाईफाई वाला एंटीना है, और ये इसके साथ 8 GB की यूएसबी, उन्होंने 8 GB की यूएसबी उन्होंने दी है। आप यूएसबी भी चेक कर सकते हैं, 8 GB की उन्होंने इसके साथ एक यूएसबी दी है, और ये इसकी रिमोट कंट्रोल का जो सेंसर है वो भी इन्होंने साथ दिया हुआ है बेसिकली, आप ये देख सकते हैं रिमोट कंट्रोल सेंसर भी उन्होंने दिया
साथ दिया है। तो ये बेसिकली एसेसरीज हैं जो इसके साथ हैं। तो ये सारी की सारी आपने मुलाजा फरमाई। तो अब मैं इस वीडियो का अख्तिताम करता हूँ ताकि आप लोग जो है वो इससे जो है वो महजूज हो सकें, कोई मसला परेशानी आए तो आप हमसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम आपका जो है वो मसला परेशानी हम उसको अच्छे तरीके से और बहुत कम वक्त के अंदर हल करेंगे। थैंक यू सो मच।